स्वागत है फिर से। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 में आपका फिर से स्वागत है। जो मैं हर रोज तासिकाएं ले रहा हूं उसकी यूट्यूब लिंक बनाई जा रही है। कल कोई नहीं आया इसलिए बन नहीं पाई। आप उसे देख रहे हैं ना धनश्री जी? हाँ आप देख रही है। हाँ, इस हाँ प्रकार से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जिस बात को हमने आरंभ किया था, राजभाषा हिंदी के विषय को, तो उसमें बहुत सी बातें हमने आपके सम्मुख रखी थी। अगर वो देख रही होंगी या फिर उसके पीडीएफ भी मैंने बना करके डाल दिए, वो पढ़ते होंगे तो आपको बहुत कठिनाई नहीं जाएगी, बहुत आसानी से इस विषय को आप समझ पाएंगे। देखिए, राजभाषा हिंदी के अंतर्गत बहुत सी बातें हमने देखी थी, जिसके अंतर्गत संविधान की धारा 120, संविधान की धारा 210, संविधान की धारा 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, ये होने के उपरांत हमने ये भी देखने का प्रयास किया था कि इसमें किस प्रकार से 27 मई 1952 का राष्ट्रपति का आदेश क्या है। उसके उपरांत ये भी देखने का प्रयास किया था कि राष्ट्रपति का आदेश 1960 का किस प्रकार से है, तथा इन पर चर्चा बहुत अच्छी प्रकार से की थी। आज हम आगे राष्ट्रभाषा अधिनियम 1963 की ओर ध्यान देंगे। देखिए, राजभाषा आयोग द्वारा 1956 में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को लेकर के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर दक्षिण भारत में हिंदी के राजभाषा बनाए जाने का तीव्र विरोध हुआ, खास करके तमिलनाडु में। इस विरोध के सम्मुख भारत सरकार ने राजभाषा के संबंध में तुष्टिकरण की नीति का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप यह राजभाषा अधिनियम 1963 में अस्तित्व में आया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 में विहित उपबंधों के आधार पर बनाया गया था। इस संबंध में जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, रखा गया, उसके पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह राजभाषा अधिनियम 1963 के रूप में प्रसिद्ध हुआ और लागू हुआ। अब देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 में जो प्रावधान रखे गए हैं उनको हम अब देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 में, मतलब उसमें पहले में धारा 3 में यह व्याख्या की गई है कि संविधान के आरंभ होने के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, अर्थात 26 जनवरी 1965 से तत्काल पूर्व जिन सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, उनमें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। ध्यान रहे, संविधान जब बना था तो उस समय हिंदी राजभाषा बनाई गई, राजलिपि देवनागरी बनाई गई और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने का प्रावधान हुआ। परंतु स्वाधीन, मतलब संविधान बनने के समय तक जो काम काज अंग्रेजी में चलता था वह 15 वर्षों के लिए चलता रहेगा, इस प्रकार का प्रावधान हुआ। परंतु फिर भी आगे चल करके कुछ लोगों के विरोध के कारण, खास करके दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध के कारण, हिंदी पूरी तरह से राजभाषा नहीं बनी और ये प्रावधान किया गया कि उन
26 जनवरी 1965 से पूर्व तक जिन सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था वह जारी रहेगा, हिंदी का भी रहेगा अंग्रेजी का भी रहेगा। मतलब उल्टे ये हुआ कि हिंदी राजभाषा की जगह सहराज भाषा बनी और अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप को प्रतिष्ठित करते रही। यह दुर्दैव की बात थी। और इसी धारा में मतलब राजभाषा अधिनियम 1963 के तीसरी धारा में यह भी कहा गया है कि संसद के कार्य के निपटारे के लिए निष्पादन के लिए भी 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे एक स्वाधीन देश की जो राजभाषा हिंदी बननी चाहिए उसकी जगह पर किसी न किसी रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया और हिंदी सह राजभाषा बनी और अंग्रेजी राजभाषा बनी रही। ये बहुत दुर्दैव की बात है, लेकिन करें क्या, हमारे जनतंत्र में जब तक किसी चीज़ को सभी लोग स्वीकार नहीं पाते तब तक ये बातें चलती रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसी राजभाषा अधिनियम 1963 के की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई है कि उपर्युक्त धारा 3 के लागू होने पर, मतलब ये जो जो अभी हमने पढ़ी, लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर हिंदी की प्रगति की जांच करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाएगी जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य अर्थात खासदार होंगे जो चुन कर दिए गए हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य अर्थात सांसद या खासदार होंगे जिनको बाकी सारे सांसदों और विधायकों ने प्रत्येक राज्य के चुन करके दिया हो। ऐसे राज्यसभा के खासदार सांसद भी 10 रहेंगे। यह समिति हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा कर राष्ट्रपति को अपना निवेदन प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य सरकारों को भी भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन पर तथा राज्य सरकार की राय पर निर्देश जारी करेंगे। मतलब ध्यान रखिए कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं संविधान को बनकर के 1965 में 15 वर्ष पूर्ण होंगे। उससे पहले 2 वर्षों में क्या करना है आपको कि एक राजभाषा समिति का गठन करना है जो राजभाषा आयोग के सिफारिशों पर विचार करने के लिए निर्धारित की जा चुकी है और जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 20 सदस्य शामिल होंगे। वो इस राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करके राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, एक निवेदन प्रस्तुत करेंगे और जिस पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति सरकारी राज मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपना आदेश जारी करेंगे। इस प्रकार से यह कहा गया है। ये देखिए, ये जो संसदीय समिति है, ये संसदीय समिति राष्ट्रपति के आदेश से उनकी सिफारिशों को, उनके प्रतिवेदन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत करेगी और जिसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाएगा और राज्य सरकारों को भी दिया जाएगा कि भाई हमारे संविधान के निर्माण से 15 वर्ष हो चुके हैं, हो रहे हैं और हमें राजभाषा की नीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा और इस विचार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन 15 वर्षों ने राजभाषा के रूप में हिंदी ने कितनी प्रगति कर ली है, कितना विकास कर लिया है राजभाषा के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण क्या ये अंग्रेजी की पर्यायी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए था। अब देखिए, इसी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 खंड 1 में यह व्यवस्था की गई है कि
सरकारी राजपत्र में, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द देखिए, गजेट, गजेट 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 में राष्ट्रपति के अधीन प्रकाशित किसी भी केंद्र अधिनियम आदेश नियम आदि का हिंदी अनुवाद उसकी हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। क्या कहा गया है यहाँ देखिए कि किसी भी भारत के केंद्र सरकार द्वारा जो राजपत्र प्रकाशित होता है उस राजपत्र में, या फिर राज्य सरकारों द्वारा जो राजपत्र प्रकाशित होता है उसमें राष्ट्रपति के शक्ति के अधीन, राष्ट्रपति के पावर के अधीन रहते हुए जो प्रकाशित है, कोई भी अधिनियम केंद्र का प्रकाशित है या आदेश या नियम प्रकाशित है, तो उसका हिंदी अनुवाद भी प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। मतलब राजपत्र अंग्रेजी में भी निकलता था, हिंदी में भी निकलता था, तो उसका हिंदी अनुवाद प्राधिकृत माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। अब इसी धारा 5 के खंड 2 में यह भी व्यवस्था की गई है कि निर्धारित तिथि से, मतलब 1965 जहाँ 15 वर्ष पूरे होते हैं हमारे संविधान को, निर्धारित तिथि से संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयकों, मतलब कायदा का जो मूल रूप होता है उसका, विधेयकों अथवा उनके संशोधनों के प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के साथ उसके हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित प्रकार से प्राधिकृत होंगे। मतलब संसद में जो भी, यानी संसद का काम क्या होता है, विधि मंडल का काम क्या होता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा में यह होता है कि सारे सांसद या सारे विधायक मिलकर के किसी विधेयक को जो मंजूरी देते हैं, इस पर जो चर्चा होती है, उसका अंग्रेजी में लेखन होता है। तो ये कहा गया है कि 15 वर्ष, संसद के 15 वर्ष बीतने के उपरांत उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी अधिकृत माना जाएगा। आगे कहा गया है कि इसे राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत की 6ठी धारा में ये भी कहा गया है कि जितने भी अधिनियम बनाए जाएंगे उनका प्राधिकृत हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध किया जाएगा, उपबंधित किया जाएगा। यानी 6ठी धारा में राष्ट्रपति के द्वारा जो राजभाषा अधिनियम 1965-63 बनाया गया है उसके अधीन की 6ठी धारा में ये भी कहा गया है कि जितने भी अधिनियम बनेंगे उनका भी प्राधिकृत हिंदी अनुवाद उपलब्ध किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है। अब उसके आगे ये, मतलब राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 7 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, अब देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, मतलब राष्ट्रपति की सम्मति लेने के बाद उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। मतलब देखिए यहाँ उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा पर भी विचार किया गया है। तो 1963 के इस राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस राज्य में होने वाले उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों की भाषा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अथवा अथवा उस राज्य की, जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, डोगरी, बंगाली, असमिया, उड़िया इत्यादि भाषाओं में उनके प्राधिक पाठ को प्राधिकृत मान सकता है।
अगर हिंदी भाषी प्रदेश है तो हिंदी में, या और अहिंदी भाषी प्रदेश है तो मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, असमिया, उड़िया इत्यादि भाषाओं में उसको प्राधिकृत मान सकता है। और जहाँ कहीं ऐसा निर्णय, कोई डिग्री अथवा कोई आदेश जो उच्च न्यायालय का हो, अंग्रेजी के से इतर किसी भाषा में पारित किया जाए, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में पारित किया जाए, तो वहाँ उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्राधिकृत माना जाएगा। मतलब समझिए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने, समझिए औरंगाबाद खंडपीठ ने या मुंबई खंडपीठ ने या नागपुर खंडपीठ ने, अगर मराठी भाषा में कोई आदेश दिया है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद देना भी आवश्यक अनिवार्य माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर से कहूंगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उनके उच्च न्यायालयों में पारित किए जाने वाले जितने भी निर्णय हैं, जितने भी नतीजे हैं, डिग्रियां हैं या आदेश हैं, वो अपनी अपनी भाषा में पारित कर सकते हैं, लेकिन उसको उनका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना पड़ेगा प्राधिकृत करने के लिए। अब देखिए, इसी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 खंड 1 के अंतर्गत अधीन ये भी कहा गया है कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। क्या कहा गया है देखिए कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 8 खंड 1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र सरकारी गजट गवर्नमेंट गजट में अधिसूचित करने के उपरांत इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अधिनियम का रूपांतरण नियम में कर सकती है। तो ये हुआ राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में। अब ये सब आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो पीडीएफ मैंने भेजी है और जो मैंने ये वीडियो लिंक बना रहा हूँ, यूट्यूब लिंक बना रहा हूँ, उसको बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इसके उपरांत राजभाषा अधिनियम 1967 पारित किया गया जो संशोधित था। मतलब 1963 में जो अधिनियम किया गया, 4 वर्ष उसकी कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद इसमें कुछ कमियां उन्हें नजर आई और इसको इन्होंने संशोधित रूप में प्रस्तुत किया, जो 1967 में प्रस्तुत किया, क्योंकि 1965 में समिति बना करके उस पर जो विचार किया गया वो सारी चीज़ें यथा संशोधित रूप से यहाँ हमारे सामने ये प्रस्तुत की जा रही हैं। इसको लेकर के आज हम अपनी तासिका को पूरा करेंगे। राजभाषा अधिनियम 1967 जो 1963 का संशोधित रूप है। राजभाषा अधिनियम 1963 में ये व्यवस्था की गई थी कि नियत 15 वर्षों के बाद भी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रहेगा सहराजभाषा के रूप में, लेकिन इससे भी हिंदी विरोधियों की तुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हो पाई, इसीलिए देश में द्विभाषी व्यवस्था को अनिश्चित कालावधि तक के लिए बनाए रखने की व्यवस्था निर्माण हुई। मतलब हिंदी जो हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई और 15 वर्षों तक उसे राजभाषा बनने में जो अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को पूरा करने का प्रयास किया गया, परंतु साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि भारत की राजभाषा अकेली हिंदी नहीं होगी, साथ साथ अंग्रेजी भी अनिश्चित काल तक के लिए होगी। ये हिंदी का पद पद पर जो अपमान हमारे राजनेताओं ने किया है, क्योंकि वे हिंदी विरोधियों को तुष्ट करना चाहते थे, संतुष्ट करना चाहते थे, लेकिन जो लोग संतुष्ट नहीं होना यह स्वीकार कर चुके हैं, उनके लिए कितना भी
दे दे वो संतुष्ट होने से तो रहे। मतलब संसद के द्वारा संविधान के द्वारा संविधान लागू होने के 15 वर्ष के उपरांत के भाग में भी, मतलब 15 वर्ष के बाद भी अनिश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी हमारी राजभाषा हिंदी के साथ साथ बनी रहेगी, इस प्रकार का, इस प्रकार की मूर्खता युक्त बात पारित की गई। और ये द्विभाषी, द्विभाषी मतलब हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ, इतना ही नहीं राज्य, राज्यों में राज्य की राजभाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी की ये द्विभाषा नीति अनिश्चित कालावधि तक बढ़ाने की व्यवस्था पड़ गई। और 6 दिसंबर 1967 में एक संशोधित विधेयक पारित किया गया, 8 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने पर इसे राजभाषा अधिनियम, संशोधित अधिनियम 1967 के रूप में जारी किया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया था कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष में अंग्रेजी राजभाषा रहेगी और उसके बाद हिंदी ही राजभाषा बनी रहेगी, किंतु विरोध होने के कारण 15 वर्षों के उपरांत भी अंग्रेजी ही राजभाषा बनी रही और साथ में हिंदी भी। इस अधिनियम में, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 में इस प्रकार का संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया, देखिए धारा 3 में खंड 1 में यह कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से पूर्व प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद के कामकाज के व्यवहार के लिए अंग्रेजी ही राजभाषा बनी रहेगी। हिंदी तो बनी रहेगी लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बनी रहेगी, इस प्रकार का एक प्रावधान उसमें जोड़ दिया गया। आगे ये कहा गया है कि इस धारा 3 की उपधारा 2 में यह किसी बात के होते हुए भी जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा, पत्र लिखने के लिए हिंदी या अंग्रेजी राजभाषा, चाहे वो केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या एक विभाग या एक कार्यालय के बीच हो, उसको भी अंग्रेजी लागू होगी। केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण में किसी अन्य निगम या कंपनी या उसके कार्यालय के बीच प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारी वर्ग हिंदी का कार्य साधक, काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी में या उसकी भाषा में हो। हाँ, ठीक है, सध्या माझं पीरियड चालू आहे, नंतर सांगतो। बीच में एक फोन आया था इसलिए थोड़ा बाहर जाना पड़ा। तो देखिए कि केंद्रीय सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं या उनके कार्यालय हैं उनके बीच में
उनके बीच में जो व्यवहार हो रहा है वह व्यवहार भी अंग्रेजी में ही जारी रहेगा। इस प्रकार की बात कही और जितने भी पत्र हैं उन सभी पत्रों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में, मतलब अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों समांतर राजभाषाएं हमारे संविधान में बनाई गई एक प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ बात कही गई है। मतलब अंग्रेजी में अगर कोई पत्र आता है तो उसका हिंदी अनुवाद जोड़ना अनिवार्य है, अगर हिंदी में कोई पत्र आता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जोड़ना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से राज्य सरकार के स्तर पर भी अंग्रेजी में अगर कोई पत्र निकलता है तो उस राज्य की राजभाषा जैसे मराठी, और जैसे मराठी में अगर कोई पत्र निकलता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद यह अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए उपधारा एक के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों ही प्रयुक्त होते रहेंगे। मतलब संसद के जितने भी संकल्प होंगे, साधारण आदेश होंगे, नियम होंगे, अधिसूचनाएं होंगी, प्रशासकीय या अन्य प्रतिवेदन की विज्ञप्तियां होंगी, उन सब के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता रहेगा। संसद के किसी सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, या दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष रखे जाने वाले जितने भी प्रशासकीय या अन्य प्रतिवेदन होंगे और राजकीय कागज पत्र होंगे उनके लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी चलती रहेगी। केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा निर्धारित जितनी भी संविधाएं हैं, जितने भी करार हैं, जितनी भी अनुज्ञप्तियां हैं, अनुज्ञा पत्र हैं, सूचना है, निविदा पत्र हैं, उन सब के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी दोनों सह राजभाषाएं चलती रहेंगी। इतना ही नहीं, वे आगे जाकर कहते हैं कि धारा तीन की उपधारा एक, दो या तीन के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो मुख्यतः यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना कार्य कर सकें, और यह केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होगा। ध्यान रखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि इस संशोधित राजभाषा अधिनियम 1967 के धारा तीन के सारी उपधाराएं, पहली, दूसरी, तीसरी उपधाराओं के अंतर्गत ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति, मतलब संसद में काम करने वाला कोई क्लर्क कोई हो, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दोनों भाषाओं का उसे काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए। परंतु अगर वह किसी एक भाषा में प्रवीण है तो उसको दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, और अगर कोई एक व्यक्ति, मतलब दोनों में उसे प्रवीण होना चाहिए ये तथ्य है। अगर समझिए कोई अंग्रेजी जानने वाले को हिंदी ठीक ढंग से नहीं आती और हिंदी जानने वाले को अंग्रेजी ठीक ढंग से नहीं आती तो उनका अहित नहीं होगा, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। और आगे चलकर ये भी कहा गया है कि धारा तीन की उपधारा एक के खंड क के उपबंध और उपधारा दो, उपधारा तीन, उपधारा चार के उपबंध तब तक बने रहेंगे जब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों अर्थात विधानसभा और विधान परिषदों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया नहीं है, संकल्प पारित नहीं कर दिए हैं, और जब तक इन संकल्पों पर विचार कर लेने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित नहीं किया जाता तब तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों समांतर राजभाषाएं बनी रहेंगी। अब ये कब तक बनेगा, मतलब समझिए अहिंदी भाषी राज्य है कोई, जैसे केरल है, जैसे तमिलनाडु है, जैसे कर्नाटक है, जैसे आंध्र प्रदेश है, जैसे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, कश्मीर है,
तो ये जो अहिंदी भाषी प्रदेश हैं, इनकी जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने पहले हिंदी को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर संसद उसे स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार से यह एक ऐसी समस्या बना दी गई है राजभाषा की, जिसका आज तक तो कोई समाधान हमें प्राप्त नहीं हुआ। और अब तक इस समय तक इस क्षण तक तो पूरी तरह से अंग्रेजी हिंदी पर हावी हो चुकी है, और बिना अंग्रेजी के कोई राजनीतिक काम नहीं हो सकता, कोई संसदीय गतिविधि नहीं हो सकती, ये तो हमने स्वीकार कर लिया है। और इसके लिए चाहिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति, राजकीय इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये हमारे चुने हुए राजनेता करेंगे, इस बात पर हमारा विश्वास नहीं है इस समय। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि इनकी राजकीय इच्छा शक्ति क्या है, क्या ये सचमुच हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, या फिर अंग्रेजी का ही साथ लेना चाहते हैं, या अभी भी इनकी मानसिक गुलामी अंग्रेजी के प्रति है। अंग्रेजों ने 250-250 वर्ष राज किया और लगभग 70-72 वर्ष हमारे संविधान सम्मत होकर के हो चुके हैं, तो ये भी उसमें शामिल हो गए हैं, और अनिश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी हमारी सहराजभाषा बनी रहेगी, ये हमने स्वीकार कर लिया है, इतना मान करके ये चल रहे हैं सारे लोग, ये स्पष्ट हो जाता है। तो आज का समय हमारा यहाँ समाप्त हो रहा है, कल की तासिका में अवश्य हाजिर रहिएगा, और ये जो YouTube लिंक बना दी जाएगी थोड़ी देर के बाद, उसको भी देखिएगा, क्योंकि एक बार सुनने पर शायद बात समझ में ना आए तो इसको बार बार सुनिए, और जो PDF आपको दी गई है इसकी, उसको बार बार पढ़ते रहिए, तो आपको इस बात का ज्ञान होता जाएगा कि क्या क्या किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं और किस प्रकार से ये हो सकता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम जटिल जो है भाषा के तौर पर का, उसको कैसे हम आसान बना सकते हैं। ध्यान रखिए, साहित्य पढ़ने में हम रुचि लेकर के पढ़ते हैं तो आसान लगता है, लेकिन भाषा का जब कोई विषय आ जाता है तो हमें थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जहाँ तक संबंध है हमारा, हम अगर कठिन विषय को भी थोड़ी देर बाद बार बार पुनः पुनः पढ़ते रहेंगे तो भी आसान बन जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी।